भविष्यवाणियां तो हम सभी ने सुनी होंगी और अगर ये सही लोगों द्वारा की जाए तो पूरी भी होती है। एक ऐसी ही भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के लिए की गई थी कि वे मनुष्य के रूप में पैदा होंगे और क्रूस पर अपनी कुर्बानी देंगे, क्योंकि संसार में पाप की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। इसीलिए उनके लिए ये भविष्यवाणी की गई थी और परमेश्वर ने उन्हें इस काम के लिए चुना था। जब यीशु मसीह धरती पर थे तो उनके 12 शिष्य थे। उन्होंने अपने 12 शिष्यों से कई बार कहा था कि तुम में से ही कोई एक मुझे पकड़वा देगा, और ये बात उन्होंने उनसे कई बार कही थी। लास्ट सपर के दिन भी उन्होंने अपने शिष्यों से यही बात कही। लास्ट सपर यानी कि अंतिम भोजन जो उन्होंने अपने शिष्यों के साथ किया था। उनमें से एक शिष्य जिसका नाम यूदास इस्कारियोती था, उसने 20 चांदी की अशर्फियों के लिए जीसस का सौदा कर लिया था। और यूदास ने सिपाहियों से ये भी कहा था कि जिसका मैं चुंबन करूं उसको पकड़ लेना, वही मसीहा होंगे। और ठीक उसने ऐसा ही किया, क्योंकि ये सभी पहले ही लिखा गया था तो उसी के अकॉर्डिंग ये हो रहा था। वे सभी जीसस को पिलातुस के पास ले गए जिसका वहां पर साम्राज्य था, किंतु पिलातुस ने उनसे कहा कि वे यीशु में कोई दोष नहीं पाते, किंतु महायाजक और पुरोहित और अन्य प्रजा ये कहने लगी कि इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए। उस समय पास्का भोज हुआ करता था और उस पास्का भोज में ये प्रथा थी कि उस समय एक कैदी को रिहा किया जाता था। पिलातुस ने उनसे पूछा कि मैं यीशु में कोई दोष नहीं पाता, क्या मैं मसीहा को आजाद कर दूं या फिर बराबस को? बराबस एक डाकू हुआ करता था जो बहुत ही ज्यादा भयानक था। लेकिन वे सभी चिल्ला उठे कि बराबस को रिहा कीजिए और यीशु को क्रूस पर चढ़ाइए। किंतु पिलातुस ने उनसे कहा कि मैं इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं हूं। जो तुम कर रहे हो उसके किए का पाप तुम्हारे और तुम्हारी संतान के सिर पर हो। ये कहकर पिलातुस ने अपने हाथ धो लिए, यानी कि उसने इस चीज से अपने आप को मुक्त कर लिया। अब उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाना शुरू किया, जिसमें उन्हें भयंकर पीड़ा दी गई। खून से लथपथ जीसस को गोलगोथा अर्थात खोपड़ी नामक जगह पर क्रूस पर चढ़ाया गया और पूरे रास्ते उन्हें बुरी तरह से मारा पीटा गया, क्योंकि महायाजक और पुरोहित उनसे जलते थे और वो नहीं मानते थे कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं। अंत में जीसस ने गोलगोथा जगह पर ही अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद पूरे प्रदेश में अंधकार छा गया। मंदिर बीच में से दो भागों में फट पड़ा। तब महायाजक और पुरोहितों को यह एहसास हुआ कि उन्होंने सच में बहुत बड़ी भूल कर दी और उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हुआ। इस क्रूस की प्रथा को गुड फ्राइडे के दिन दोहराया जाता है। गुड फ्राइडे के तीसरे दिन जीसस क्राइस्ट जीवित हुए थे, इसलिए तीसरे दिन ईस्टर का त्यौहार मनाया जाता है। और ये ईस्टर से पहले 40 दिनों तक प्रार्थनाओं का आयोजन किया जाता है। गुड फ्राइडे के दिन चर्च में सभी सजावट की वस्तुएं हटा दी जाती हैं और शोक और प्रार्थनाएं की जाती हैं। जीसस के क्रूस को चूमा जाता है। गुड फ्राइडे का मतलब यहाँ पर अच्छा से नहीं बल्कि होली शब्द से है, जिसका मतलब पवित्र शुक्रवार होता है। और जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी उसी के अकॉर्डिंग ये सब पूरा हुआ। जब यीशु क्रूस पर थे तब सभी लोग कह रहे थे कि अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो खुद को बचाओ, तुमने सबको बचाया। किंतु वो ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि भविष्यवाणी का पूरा होना भी निश्चित था। इसीलिए ये सब हुआ और उसी की याद में गुड फ्राइडे का दिन मनाया जाता है और इसीलिए इसे गुड फ्राइडे कहा जाता है।